नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिक इन्फॉर्मर में। तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो चार मैचों की टेस्ट श्रृंखला है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, वो 9 फरवरी से नागपुर में उसका आगाज होने वाला है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम को इस सीरीज से पहले एक के बाद एक बड़े झटके लगते जा रहे हैं। जो हाल फिलहाल में अभी लगा है उनको तगड़ा झटका, वो है जॉस हेजलवुड का पहले टेस्ट से बाहर जाना। जी हाँ, जॉस हेजलवुड जो उनके सबसे प्रीमियम पेसर हैं, वो पहला टेस्ट नागपुर में जो होने वाला है उसमें नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनकी जो नी इंजरीज है उससे वो पूरी तरीके से उभर नहीं पाए हैं। और ये खुलासा खुद जॉस हेजलवुड ने प्रेस वार्ता में की है कि अभी वो पूरी तरीके से कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे हैं, और ये देखने लायक रहेगा कि दूसरे टेस्ट से पहले वो फिट हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। उन्होंने उस पर भी संशय जताया है। तो पहले टेस्ट से लगभग ये कंफर्म्ड हो गया है कि नागपुर टेस्ट में जॉस हेजलवुड नहीं खेलेंगे, और ये ऑस्ट्रेलियन टीम को बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जो अनुभव जॉस हेजलवुड जिस स्क्वाड में लाते हैं वो शायद ही कोई पेसर लाता। काफ़ी मैचेस खेले हैं जॉस हेजलवुड ने ऑस्ट्रेलियन टीम के तरफ से, और एशियन कंडीशन में भी उनको खेलने का अच्छा अनुभव है, और वो यहाँ पे अपना अनुभव झोंक सकते थे। अब जॉस हेजलवुड बाहर हो गए हैं तो वहाँ पे प्लेइंग 11 में भी आप बदलाव होते हुए देखोगे। और इससे पहले जो बड़े झटके लगे हैं ऑस्ट्रेलियन टीम को, वो ये हैं कि मिचेल स्टार्क भी पहले टेस्ट के लिए अनुपलब्ध हैं। वहीं अगर हम बात करें जो इनके सबसे प्रीमियम ऑलराउंडर हैं कैमरून ग्रीन, वो भी पहला टेस्ट मैच खेलते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो बॉलिंग फिट नहीं है। तो एज ए बैटर उनको ऑस्ट्रेलियन टीम एशियन कंडीशन में अफोर्ड नहीं कर पाएगी। तो ये जो तीन बड़े झटके लगे हैं इससे उनकी टीम जरूर कमजोर हुई है, लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलियन टीम का स्क्वाड उठाकर देखेंगे तो वहां पे हर एक बॉलर के लिए एक रिप्लेसमेंट उन्होंने जरूर अनाउंस किया है। अगर हम देखें उनके स्क्वाड में तो वहां आपको 5 पेसर्स दिखेंगे। पहले उनके कप्तान पैट कमिंस, दूसरे मिचेल स्टार्क, तीसरे जॉस हेजलवुड, चौथे कैमरून ग्रीन, पांचवें लैंस मोरिस। ये 5 ऐसे बॉलर हैं जो, और छठे स्कॉट बोलैंड, टोटल 6 पेसर हैं। तो ये जो 6 पेसर हैं वो ऐसे हैं जो एक दूजे के रिप्लेसमेंट नजर आते हैं। अगर हम बात करें लैंस मोरिस की तो वो हिट द डेक बॉलर हैं, और लगभग मिचेल स्टार्क का रिप्लेसमेंट। अगर ऑस्ट्रेलियन टीम चाहे तो पहले टेस्ट में मिचेल स्टार्क की जगह लैंस मोरिस को खिला सकती है। अगर हम बात करें जॉस हेजलवुड के रिप्लेसमेंट के लिए, तो उनके लिए सबसे परफेक्ट और लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट रहेंगे स्कॉट बोलैंड। अगर हम स्कॉट बोलैंड की बात करें तो उन्होंने जो भी मैचेस खेले हैं ऑस्ट्रेलियन टीम से काफी इंप्रेस किया है। 6 मैचेज उन्होंने ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से खेले हुए हैं, जिसमें 342 रन खर्चे हैं, 28 विकेट मात्र 6 मैचों में लिए हैं, और उनका एवरेज 12.21, मतलब 12.21 रन खर्च करने के बाद वो एक विकेट लेते हैं, और ये वर्ल्ड क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट में सबसे बेहतरीन एवरेज है। तो अभी तक वर्ल्ड क्रिकेट में 12.21 का किसी का एवरेज नहीं है। स्कॉट बोलैंड ने मात्र 6 मैचों में ये एवरेज गेन किया हुआ है, और ये एवरेज दर्शाता है कि किस औहदे के खिलाड़ी हैं स्कॉट बोलैंड, और वो जॉस हेजलवुड के रिप्लेसमेंट के लिए परफेक्ट चॉइस हैं। अगर हम बात करें स्ट्राइक रेट की तो 33 बॉलों पे ये एक विकेट लेकर जाते हैं, तो 12 रन खर्च करने के बाद एक विकेट इनको मिलती है, या तो 33 बॉल खर्च करने के बाद ये एक विकेट प्राप्त करते हैं। तो स्कॉट बोलैंड जॉस हेजलवुड के रूप में सबसे बेहतरीन रिप्लेसमेंट होंगे ऑस्ट्रेलियन टेस्ट स्क्वाड में। और अगर हम एक बार प्लेइंग 11 पे नजर डालें ऑस्ट्रेलियन टीम के जो नागपुर में पहला मैच होने वाला है उसके लिए, क्योंकि अब काफी सारे चेंजेस हो चुके हैं। मिचेल स्टार्क नहीं खेल रहे हैं पहला मैच, अब जॉस हेजलवुड भी नहीं खेलेंगे। लगभग अगर कैमरून ग्रीन बॉलिंग फिट नहीं है तो कैमरून ग्रीन भी एज अ बैटर खेलते हुए नहीं दिखेंगे। तो अगर हम प्लेइंग 11 पे नजर डालें तो वहां पे ओपनर के रूप में आप उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर को देखोगे, 1 डाउन में मानस लबुसेन, 2 डाउन में स्टीव स्मिथ, 3 डाउन में ट्रेविस हेड, फिर उसके बाद उसके नीचे आए तो वहां आप पाओगे एलेक्स कैरी को एज ए विकेट कीपर बैट्समैन। फिर अगर हम बात करें ऑलराउंड डिपार्टमेंट की तो वहां पे एस्टन गैगर एज एन स्पिनर आप खेलते हुए देखोगे, और अगर उसके नीचे स्पिन डिपार्टमेंट में आए प्योर स्पिनर तो नॉर्थन लायन आपको लीड करेंगे स्पिन अटैक। और अगर उनका 3 स्पिन अटैक के साथ अगर ऑस्ट्रेलियन टीम जाना चाहेगी पहले मैच में नागपुर की पिच देखते हुए, तो वहां पे टॉड मर्फी या मिचेल स्विप्सन खेलते हुए दिखेंगे। चांसेस मिचेल स्विप्सन के ज्यादा हैं, क्योंकि नॉर्थन लायन ऑफ स्पिन कर सकते हैं, ट्रेविस हेड भी ऑफ स्पिन में अपना हाथ आजमा सकते हैं, जिस कारण यहां पे मिचेल स्विप्सन के रूप में लाकर एक वैरायटी प्रदान करना चाहेगी ऑस्ट्रेलियन टीम। तो मिचेल स्विप्सन स्पिन डिपार्टमेंट में साथ देंगे नॉर्थन लायन का। उसके बाद अगर हम बात करें पेस डिपार्टमेंट की तो वहां अब जॉस हेजलवुड बाहर है, मिचेल स्टार्क बाहर है, तो वहां पे आप खेलते देखोगे स्कॉट बोलैंड और पैट कमिंस। तो ये 11 खिलाड़ी हैं। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी लोग अपना कोविड से ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।